सबसे पहले तो आपको अपस्टॉक्स का ऐप डाउनलोड करना होगा। तो मैंने जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, आप उस पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो वह आपको प्ले स्टोर पर ले जाएगा और आप वहां से तुरंत जो है उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। तो दोस्तों जो है अपस्टॉक्स इंस्टॉल करने के बाद जैसे आप उसको सबसे पहली बार खोलते हैं तो दोस्तों आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस दिखाई देने लगेगा, तो जिसमें दोस्तों नीचे लिखा है क्रिएट ए न्यू अकाउंट और नीचे दिया है लॉग इन करने के लिए। तो दोस्तों लॉगिन वही लोग करते हैं जिनका पहले से अपस्टॉक्स पर अकाउंट बना होता है। तो हमको नया अकाउंट बनाना है तो सबसे पहले करेंगे क्रिएट ए न्यू अकाउंट। तो यहां से जैसे ही क्लिक करते हैं दोस्तों तो हमारे सामने जो है यहां से अपना ईमेल आईडी भरने के लिए आ जाएगा और इसके बाद नीचे जो है मोबाइल नंबर भरने के लिए आ जाएगा। तो दोस्तों आप वही मोबाइल नंबर अपना यहां भरिएगा जिस पर कि ओटीपी चला जाए, इसका मतलब कि उसमें रिचार्ज होना चाहिए और वह जो है चालू होना चाहिए। सेंड ओटीपी पर क्लिक कर देंगे। तो दोस्तों जैसे ही सेंड ओटीपी पर क्लिक करते हैं तो हमारे मोबाइल नंबर पर 6 अंक का जो है एक ओटीपी जाएगा, वह हमको यहां से 6 नंबर वाला भर देना होगा। यह 6 नंबर का ओटीपी भरने के बाद दोस्तों यहां से दिया हुआ है वेरीफाई एंड साइन इन। तो यहां से जैसे ही हम लोग वेरीफाई एंड साइन इन पर क्लिक करते हैं दोस्तों अब हमारा यहां से दिखाएगा ईमेल आईडी। तो यहां दोस्तों हमारा फोन पे तो ओटीपी हो गया, वो हमारे लिख दिया वहां पे, अब ये जाएगा हमारे ईमेल आईडी पर ओटीपी। तो दोस्तों यहां से जो है गेट ओटीपी पर क्लिक करना होगा, हमारे ईमेल आईडी पर जो है एक ओटीपी जाएगा जो हमको यहां नीचे जो है भरना होगा। उठाकर भर देंगे, इसके बाद नीचे दिया है कंटिन्यू करने के लिए, तो यहां से दोस्तों कंटिन्यू कर देंगे। दोस्तों कंटिन्यू करने के बाद हमारे सामने जो है अगला जो स्टेप आ जाता है वह पैन कार्ड का डिटेल भरने के लिए आ जाता है। दोस्तों पैन कार्ड पर लिखा होता है पैन कार्ड नंबर, वहां से ये पैन कार्ड नंबर भर देंगे और डेट ऑफ बर्थ भर देंगे। तो दोस्तों डेट ऑफ बर्थ अगर आपको नहीं भरने आ रहा है तो आप बिल्कुल आसानी से उसको टाइप कर दीजिएगा, डेट ऑफ बर्थ यहाँ आपका हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ से कंटिन्यू पर क्लिक कर दीजिएगा। तो दोस्तों आपके सामने जो है एक अगला स्टेप खुल के आ जाता है जिसमें आपको पूछता है कि आप मेल हैं, फीमेल हैं या फिर ट्रांसजेंडर हैं, जो भी कुछ रहेंगे आप यहाँ से, मैंने मेल है तो यहाँ से मेल लगा दिया। इसके बाद दोस्तों आपका पूछेगा मैरिड स्टेटस, मतलब कि आपको जो है सिंगल है कि मैरिड है, जो भी कुछ है यहाँ से लगा दीजिएगा। इसके बाद आपका एनुअल इनकम क्या है, मतलब तो यहाँ से आप लगा सकते हैं, कुछ भी लगा सकते हैं दोस्तों, तो जो भी आपका इनकम हो आय हो वो लगा दीजिएगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ से कंटिन्यू पर क्लिक कर दीजिएगा। तो दोस्तों कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा शो होने लगा, तो यहाँ से लिखा है टैक्स पेयर डिक्लेरेशन। तो दोस्तों यहाँ से जो है यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे लिखा है आई एक्सेप्ट द एबव डिक्लेरेशन। तो दोस्तों आप इसको पूरा पढ़ लीजिएगा, मैंने पूरा डिटेल में पढ़ लिया है। तो दोस्तों अगर आपका मन हो तो पूरा पढ़ लीजिएगा, नहीं तो यहाँ पर आपको एक टिक लगाना होगा। जैसे ही दोस्तों यहाँ पे आप क्लिक करते हैं तो यहाँ से कंटिन्यू पर क्लिक कर दीजिएगा। तो दोस्तों कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको यहाँ शो हो जाएगा कॉन्ग्रेचुलेशन ऋतिक शर्मा, यू कैन गेट स्टॉक फॉर 0। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ से जो है मेरा अकाउंट बनने का फर्स्ट स्टेप पूरा हो चुका है। तो यहाँ से आप क्लिक करेंगे आई वॉन्ट स्टॉक फॉर 0। तो जैसे ही आप यहाँ से क्लिक करते हैं 0 दोस्तों, तो यहाँ दोस्तों आपके सामने जो है अगला स्टेप आ जाता है आपका सिग्नेचर अपलोड करने के लिए। तो दोस्तों ये लिखा है डिजिटल सिग्नेचर इज रिक्वायर्ड। तो दोस्तों डिजिटल सिग्नेचर का मतलब है कि आपको फोटो वोटो कुछ तो इस पे चिपकाना है नहीं सिग्नेचर का। तो दोस्तों आपको यहाँ पे साइन करना होगा, तो आपका जो भी नाम हो आप यहाँ से सिग्नेचर जैसा भी आप साइन करते होंगे यहाँ से साइन कर दीजिएगा। इसे जो है आप अपना नाम लिख दीजिएगा, बिल्कुल आसानी से लिख जाएगा। अगर साइन करते हुए कुछ गलत हो जाए तो यहाँ से इरेज ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा, वो फिर से लिखने के लिए आ जाएगा। तो दोस्तों यहाँ से आप अपना साइन लिख लीजिएगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ से कंटिन्यू का ऑप्शन दिया है, तो आपको यहाँ से कंटिन्यू पर क्लिक करना होगा। इसके बाद दोस्तों यहां से जो है आपका अगला स्टेप आ जाता है अपस्टॉक डिजी लॉकर इंटीग्रेशन। तो दोस्तों यहां पर आपको यह आधार नंबर मांगता है। दोस्तों यह बिल्कुल सेफ है, आप बिल्कुल बिना डरे सब कुछ भर दीजिएगा। तो यहां से अपना आधार नंबर भर दीजिएगा। तो दोस्तों आधार नंबर भरने के बाद यहां से नेक्स्ट पर क्लिक कर दीजिएगा। इसके बाद दोस्तों आपके जो है मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी भेजेगा, तो वह ओटीपी 6 नंबर का होगा जो आपको उठा के यहाँ पे आपको भरना होगा। तो यहाँ से ओटीपी भर दीजिएगा। ओटीपी भरने के बाद दोस्तों यहाँ से नीचे दिया है कंटिन्यू करने के लिए, तो कंटिन्यू पर क्लिक कर दीजिएगा। तो दोस्तों यहाँ से जो है आपका आ जाएगा अगला स्टेप, तो यहाँ से अलाउ के ऑप्शन पर जो है क्लिक कर दीजिएगा, तो इसको जो है अलाउ मिल जाएगा। इसके बाद दोस्तों आपका नेक्स्ट स्टेप जो आता है वह है आपका कैमरा एक्सेस, यानी कि आपका जो है फोटो लेने के लिए दोस्तों आ जाएगा। तो यहाँ से जो है इसको रिक्वायर्ड जो है क्लिक कर दीजिएगा अलाउ करने के लिए। यहाँ से कंटिन्यू पर जैसे ही आप क्लिक करते हैं दोस्तों, तो यह आपका कैमरा ओपन हो जाएगा। तो दोस्तों इसने साफ साफ बताया है कि कैमरा मतलब अपना फोटो लेते टाइम जो है ना तो आपको टोपी लगाना है ना तो आपको चश्मा लगाना है और सीधे देखना है सिर्फ कैमरे पे। तो यहाँ से गॉट इट करके दोस्तों यहाँ से कैप्चर पर क्लिक कर दीजिएगा। तो दोस्तों जैसे ही आप कैप्चर पर कर देते हैं तो आपका फोटो यहाँ से ले लेगा ये। और दोस्तों फोटो लेने के बाद यहाँ से कंटिन्यू पर क्लिक कर दीजिएगा। तो कंटिन्यू करने के बाद दोस्तों आपके सामने कुछ ऐसा खुल के आ जाएगा। तो यहाँ से आप सबसे पहले तो यहाँ पर टिक करेंगे साइन अप फॉर फ्री।
तो यहाँ पर जैसे ही आप क्लिक करते हैं दोस्तों, क्लिक करने के बाद आपके सामने जो है हो जाएगा कंटिन्यू करने के लिए। कहते हैं कॉन्ग्रेचुलेशन, योर लिमिटेड प्लान ऑफर आर ऑन देयर वे। इसके बाद दोस्तों यहाँ से आप देख सकते हैं लिखा हुआ आ जाएगा कुछ ऐसे, तो आप यहाँ से नीचे जो है नो आई विल डू लेटर कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ से जो है कंटिन्यू कर दीजिएगा। तो कंटिन्यू करने के बाद दोस्तों आपके सामने जो नेक्स्ट स्टेप आता है वह है आपका आधार कार्ड का जो है OTP वेरिफिकेशन। तो यहाँ से दोस्तों आप इस पर जो है जैसे ही क्लिक करते हैं तो यह देख सकते हैं आप यहाँ से ये लोडिंग करने लगेगा। लोडिंग करने के बाद दोस्तों जैसे ये 100% लोडिंग कर लेता है तो आपको जो है ई साइन नाउ करने के लिए आ जाएगा। तो ई साइन नाउ पर जैसे आप क्लिक करते हैं दोस्तों तो आपको दोस्तों इस जैसे पेज पर लेके आ जाता है। तो इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप जो है थोड़ा सा टिक लगा के यहाँ से सबमिट पर क्लिक कर दीजिएगा। तो दोस्तों जैसे ही सबमिट पर क्लिक करते हैं यह आपके फॉर्म का जो है NSDL की बिल्कुल ऑफिशियल वेबसाइट पर लेके चलाता है। तो आपको दोस्तों यहाँ पे अपना आधार कार्ड नंबर डालना होगा। तो यहाँ से जैसे आप अपना आधार कार्ड नंबर डालते हैं दोस्तों, आधार कार्ड डालने के बाद दोस्तों यहाँ से सेंड OTP पर क्लिक कर दीजिएगा। तो सेंड OTP पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके मोबाइल नंबर पे एक OTP जाएगा 6 नंबर का। तो आप यहाँ से उसको उठा के तुरंत यहाँ पे भर दीजिएगा। भरने के बाद दोस्तों वेरीफाई OTP पर क्लिक कर दीजिएगा। दोस्तों वेरीफाई OTP पे जैसे ही आपका हो जाएगा तो यहाँ से लिखा हुआ आ जाएगा क्लिक हियर टू डाउनलोड योर साइन डॉक्यूमेंट एंड प्रोसीड। तो दोस्तों यहाँ से आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। आपका ये जितना भी फॉर्म होगा सब कुछ यह आपको डाउनलोड कर देगा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये बिल्कुल आसानी से मेरा पूरा अकाउंट बन के तैयार हो चुका है। आप देख पा रहे हैं एप्लीकेशन स्टेटस आ रहा है कि अभी 3 दिन आपको वेरीफाई होने के लिए लगेगा, क्योंकि दोस्तों हर चीज में वेरिफिकेशन बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो आप ये अपना फॉर्म जो है बिल्कुल जैसे ऑफलाइन आप फॉर्म भरते हैं ये ऑनलाइन फॉर्म भरे हैं। तो इसके बाद दोस्तों 3 दिन टाइम लगेगा। दोस्तों मेरा 3 दिन नहीं लगा, मेरा जो है 6 घंटे के अंदर जो है मेरा वेरीफाई हो गया है। तो दोस्तों सबसे पहला मैं बता देता हूँ आपको, आपका एप्लीकेशन सबमिट हो गया। दूसरा स्टेप जो है स्क्रूटनी इन प्रोसेस। दोस्तों जो है टीम जो है वेरीफाई करेगा आपका अकाउंट, ये हो जाएगा वेरीफाइड, डन हो जाएगा। इसके बाद अकाउंट एक्टिवेशन, तो आपका अकाउंट एक्टिव कर दिया जाएगा। इसके बाद दोस्तों आपके लॉग इन डिटेल जो दिखाई दे रहा है तो आपको ईमेल एड्रेस का,